योगी सरकार गरीबों के लिए ऐसी धाकड़ स्कीम लाई कि मिलेंगे 30,000 रुपए। स्कीम को लेने के लिए करना होगा ये काम। अगर आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए इस स्कीम में अतिरिक्त मिल रही है छूट। जल्दी करें आवेदन और उठा लें इस स्कीम का फायदा। योगी सरकार ने लाई बेसहारा लोगों के लिए ऐसी स्कीम कि सबके दिलों पर कर रही है राज। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए तमाम स्कीम चलाई जा रही है जो हर किसी का दिल जीतने का काम कर रही है। इस बीच अगर आपके पास कोई काम नहीं और अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाली है। अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धाकड़ स्कीम का आगाज कर दिया है जो हर किसी के दिल जीतने के लिए काफी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई नेशनल बेनिफिट स्कीम को लोगों ने किसी वरदान से कम तरीके से साबित नहीं किया है जो हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक की वजह बनी हुई है। इस स्कीम में लोगों को छप्पर फाड़ फायदा दिया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाई जा रही नेशनल बेनिफिट स्कीम लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इस स्कीम में गरीब लोगों को 30,000 रुपए राशि प्रदान की जा रही है जो हर किसी का दिल जीत रही है। और इससे जुड़ने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी जो आयु सीमा की है। इसके लिए आपकी आयु सीमा मिनिमम 18 साल से अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी वजह से मुखिया की आकस्मिक मौत हो जाने पर परिजनों को 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आपको पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही नेशनल बेनिफिट स्कीम का फायदा प्राप्त करने के लिए परिवार की इनकम 46,000 रुपए से कम होनी जरूरी है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए है। अगर आप शहर के निवासी हैं तो फिर आवेदन नहीं कर सकेंगे जिससे आपको लाभ नहीं मिल सकेगा। इतना ही नहीं, अगर आप शहर में रहते हैं और आपकी इनकम जो है वो 56,000 से कम है तो इस योजना के लिए आप भी योग्य माने जाएंगे। वैसे योगी सरकार की इस योजना पे आपका क्या ख्याल है हमें जरूर बताएं। बने रहें जेटी न्यूज के साथ।